डीएल एडर महाविद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए शैक्षणिक गतिविधियां 27 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। कॉलेज में पुस्तकालय और हॉस्टल भी खोले जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव और प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टाफ की 100% उपस्थिति होगी और प्रशिक्षणार्थियों की भौतिक रूप से 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। वहीं शिक्षक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी रहेगा। सभी को मिलकर क्षेत्र के विकास में जुटना है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात चंबल के राजघाट पुल पर कही। यहां मुरैना कैलारस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सिंधिया के रोड शो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी सहित कई मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं का परिचय कराया। सिंधिया ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मेरा घर है भाई, अंदर किस बात की। मेरा दायित्व था जो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी हमको दी है मंत्रालय संभालने की, वो भी हमें करना है, क्षेत्र का विकास भी करना है। आज नरेंद्र सिंह जी, हम, संध्या राय जी, हम सब लोग एक साथ उपस्थित हैं। एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है, और वो है क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और हम सब एक ही माले में फिरोकर आगे क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनकर पहली बार आए हैं, तो पूरा सब लोग उनके स्वागत के लिए आए। मैंने बताया ना कि पहली बार बनकर आए हैं, तो लोगों में एक जोश और उत्साह है, सब लोग स्वागत के लिए। एमपी के सभी 6 टाइगर रिजर्व